आप सबको ये भी लगता होगा कि दीक्षार्थी इतना सच धज कर, मतलब इनको तो दीक्षा के भाव है ना, फिर ये सब क्यों इतना आडंबर करते हैं। साधु साध्वी जी से कहीं ज्यादा मुमुक्षु की बातें सुनने में सबको इंटरेस्ट है। हम विदाई समारोह दिखावा के लिए नहीं करते हैं। अभी लक्षिता का भी विदाई समारोह नहीं होने वाला है। आप सब में से बहुत जनों का ये प्रश्न है कि लक्षिता तो दीक्षा ले रही है, तो अगर संसार में रहती तो सीए बनती, कुछ अच्छा करियर कर पाती, बहुत सारे जनों को सपोर्ट कर पाती। तू अभी तो दीक्षा ले रही, मतलब दूसरों के ऊपर बोझ बन रही है। मैंने ये भी सुना था कि साध्वी जी भगवंत ने ऐसे कहा था कि 10 दिन तक हम रुकेंगे यहाँ पे। 12वां दिन हुआ नहीं कि संग आके पूछते साहब जी आप कब निकल रहे हो। कई बार लोग ये पूछते हैं दीक्षा है, सब दीक्षा ले लेंगे तो फिर क्या मतलब, फिर गोत्री कौन बनाएगा। आप लोग ऐसा भी बोल रहे, देख महावीर प्रभु ने ना प्रभु की माता पिता की इतना इच्छा थी, इसलिए उन्होंने दीक्षा माता पिता के देहांत के बाद ली। आप सभी में रहे हुए परमात्मा तत्व को प्रणाम करके मैं शुरू करती हूँ। आप सबको ये भी लगता होगा कि दीक्षार्थी इतना सच धज कर, इतना शौक मतलब मेकअप वेकअप लगा के इतने फंक्शंस करते हैं, मतलब इनको तो दीक्षा के भाव है ना, फिर ये सब क्यों इतना आडंबर करते हैं। बट सॉरी, ये हमारे हमारी इच्छा नहीं, ये तो हमारे माता पिता की इच्छा होती है। उन्हें ऐसा होता है कि लास्ट मेरी बेटी को जो भी मतलब जो भी मेरे पास है सब कुछ उनको पहनाओ, सब उनको एकदम सच धज के उसको रेडी करूँ। पर हमको 0% इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप मुझे अभी भी बोलो ना कि लक्षिता ये सब उतार दे और अभी दीक्षा ले ले, अभी भी मैं राजी राजी खुशी खुशी दीक्षा ले लूँगी। क्योंकि हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओनली एंड ओनली हमारे इंटरेस्ट किसमें है तो रजोहरण। पूरी दृष्टि और सृष्टि हमारी तो रजोहरण में ही बसी हुई है, और आप लोगों की तो ये तो बात भूल ही जाइएगा कि दीक्षार्थी ये सब रेडी खुद के लिए होते हैं। सॉरी, और इवन मेरा तो कोविड के हिसाब से विदाई समारोह भी नहीं हो रहा है, मुझे 2000 लोग कोई आके बधाने नहीं वाले हैं। बट मुझे इस बात की इतनी खुशी है क्योंकि मेरी मम्मी पापा चाहते तो कोविड में भी विदाई समारोह कर सकते थे, बट उन्होंने मुझसे ज़्यादा उनकी इच्छा से ज़्यादा शासन को ऊपर रखा। उन्होंने ऐसा सोचा अगर कोई किसी को पता चला कि जैन लोगों ने मतलब दीक्षार्थी ने विदाई समारोह रखा था कोविड में भी, शासन की निंदा नहीं हो इसलिए मेरे माता पिता ने विदाई समारोह को नहीं रखा, उनकी इच्छा भी उसके लिए त्याग दी। हैट्स ऑफ, बहुत बहुत आनंद होता है पप्पा। तो ये बात तो भूल ही जाइएगा कि दीक्षार्थी खुद के लिए सचते हैं। सॉरी, दीक्षार्थी को तो आज भी अगर अभी भी अगर आपने बोला जाए ना तो अभी भी वो श्रमण वेश को रजोहरण को धारने के लिए झूम ही रहे हैं। बस एक जमाना था जब जैसे ही प्रतिबोध मिले ना बस उसी समय दीक्षा हो जाती थी। अभी क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि अभी लोगों तक पहुंचे कि दीक्षा क्या है, दीक्षा कैसे होती है, दीक्षा के भाव कैसे होते, ताकि आप लोगों के अंदर भी जिन शासन का बीज आरोपण हो, बस उसी लिए ये मुहूर्त के और दीक्षा के बीच में इतना गैप होता है। वरना हमको जब दीक्षा के भाव है तब क्यों दीक्षा नहीं देते हैं? क्योंकि ताकि आप ही समझ पाए व्हाट इज दीक्षा। हर कोई इंसान साधु साध्वी जी भगवान के पास नहीं आता है, साधु साध्वी जी से कहीं ज़्यादा मुमुक्षु की बातें सुनने में सबको इंटरेस्ट है। बट सीरियसली, अगर आपका इंटरेस्ट साधु साध्वी जी भगवान के प्रति ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मुहूर्त और दीक्षा के बीच में गैप नहीं रखेंगे। तो अभी इट्स योर चॉइस, अगर आप साधु साध्वी जी भगवान के पास जाना शुरू कर दोगे तो हम सीधा दीक्षा ले लेंगे, प्रतिबोध होते ही पहले की परंपरा वापस स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको ऐसा लगता होगा कि विदाई समारोह सब हमारी इच्छा है, बट अभी 2 साल में करीबन बहुत सारे जनों की दीक्षा हुई, बट एक जन ने भी ऐसा नहीं कहा कि यार हमारे विदाई समारोह नहीं हो रहा है तो मैं दीक्षा भी नहीं लूँगी। हम विदाई समारोह दिखावा के लिए नहीं करते हैं, वो तो मात्र और मात्र जिन शासन में दीक्षा क्या होती है वो मात्र और मात्र उसी चीज़ के लिए करते हैं। एंड अभी लक्षिता का भी विदाई समारोह नहीं होने वाला है, पर यहाँ घर बैठे बैठे भी आप इस बेटी को इतने आशीर्वाद दीजिएगा कि बस भरत क्षेत्र की मेरी लास्ट दीक्षा हो और सीधा श्रीमंदर स्वामी के पास रजोहरण लेके हम सब सीधा मुक्ति पद में पहुँचे। आप सब में से बहुत जनों का ये प्रश्न है कि लक्षिता तो दीक्षा ले रही है, तो अगर संसार में रहती तो सीए बनती, कुछ अच्छा करियर कर पाती, बहुत सारे जनों को सपोर्ट कर पाती,
इंडिपेंडेंट, खुद के पैरों में खड़ी रह सकती थी। तू अभी तो दीक्षा ले रही है, मतलब दूसरों के ऊपर बोझ बन रही है। दूसरों को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बट दूसरों के सामने दीक्षा मांगेगी तो फिर संसार में रहने से ही अच्छा है ना, तू क्यों दूसरों को बोझ बन रही है? मैं उनको यह प्रश्न का ये जवाब दूंगी, अगर लाखों कमा कर भी, करोड़ों कमा कर भी अगर आप अभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो, डिप्रेस्ड हो, तो फिर क्या मतलब? अगर मैंने अपना अच्छा करियर बना दिया, उसके बाद भी अगर मैं खुद ही स्ट्रेस फ्री नहीं हूँ, मैं उसके बाद भी बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत चिंताएं मुझे परेशान करती हो, तो फिर क्या यूज़ उस करियर का? आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़े स्कॉलर्स हो, बट अगर वो खुद ही डिप्रेस्ड हो तो फिर क्या मतलब? तो ये अपन ये मान सकते हैं ना कि सबसे बड़ा करियर इज़ नथिंग बट शांति और प्रसन्नता। हर कोई आज काउंसलर्स को मिलने जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये बोल सकते कि हर चीज़ के पीछे अगर अपनी मन की शांति ना हो तो सब कुछ वेस्ट है। लाखों रुपए हो अगर आपके पास, बट अगर आप खुद ही उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या मतलब? ऐसा नहीं है, राइट? तो ये डन किया जाए कि सबसे बड़ा करियर इज नथिंग बट शांति एंड प्रसन्नता। दूसरी बात, आज बहुत जनों के पास बहुत कुछ है। मैंने थोड़े दिन पहले ये सुना था, कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, कहने को तो उसके पास क्या नहीं है, पैसे, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ, बट उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। अब बताइए उसके करियर का क्या? अब उसके पास जो स्टेटस है, जो है, उसका क्या? यानी कंक्लूड किया जाए, करियर स्टेटस कितना भी हो, अगर आपकी मन की शांति, अगर आप उससे स्ट्रेस फ्री नहीं हो तो कुछ काम का नहीं, राइट? तो फिर करियर करता क्या है आपका? व्हाट इज द रोल ऑफ योर करियर? कुछ काम का है? सीरियसली बताइएगा, आपको ऐसा लगता है कि साधु भगवंत बोझ बनकर रहते हैं, साधु भगवंत हमारे ऊपर भार बन के रहते हैं, हमारे घर पे आके खाना मांगते हैं, ऐसा लगता है, राइट? आप मुझे बताइए, हम में से कई में ऐसे व्यसन होंगे, सिगरेट पीना, दारू पीना, बिस्का लगाना, शॉट्स लेना, ये सब व्यसन होते हैं। उससे हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। उससे छूटे पड़ने के लिए, उसको छोड़ने के लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हैं। वहाँ पे 4-4 लाख देकर हम उससे उसका जो एडिक्शन है वो निकालते हैं अपन से। और वो ही साधु भगवंत यूं ही एक सेकेंड में आपको पचकान दिया, नहीं कि आपसे छुटवा दिया। इतना ईजी टास्क है ना, वो भी ज़ीरो कॉस्ट। बताइए ये सपोर्ट नहीं है? अरे साधु भगवंत अपने प्रवचन के द्वारा, अपनी कथनी के द्वारा कितने जन को शांति पैदा करते हैं। बाकी सबका एक्सपीरियंस का तो पता नहीं, पर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। स्कूल से इतना स्कूल का भार, स्टडीज का भार आज हर एक टीनेजर को होता ही है, इवन मेरे को था। बट माईसेप के पास जाने के बाद ऐसे माईसेप ने समझाया, रिलैक्स फील करवाया, शांति, जो शांति, आत्मिक शांति मिली मुझे, सीरियसली वो इन पैसे, उन भौतिक सुखों से नहीं मिलती है। वो खूब लाइन है ना, जो सुख पामूं वीर वचन में, वो सुख नाही अमीरी में। पर हमें तो यही लगता है कि नहीं, अमीरी में जो सुखी है वो कहीं नहीं है। आज इसीलिए तो हम हर सेकेंड पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है? बताइए तो सही, आज किस किस को ऐसा नहीं लगता कि साधु भगवंत हम पर बोझ है? सेव वाटर, सबसे ज़्यादा इसका किसने किया होगा तो वो कौन है बोलूँ? मात्र और मात्र साधु भगवंत, इतने से पानी में जो जी रहे हैं आज अपन। आज किसको बोझ बोल रहे हैं अपन, जिन्होंने अपन को खुद को आत्मिक शांति देने का प्रयास किया? जीरो कॉस्ट में कोई ऐसा काम करके दिखाता हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं मान लूँगी आपको। और मैंने ना बहुत खोज की है, हर करियर में कोई ना कोई मिस्टेक्स तो मिली ही है, किसमें स्ट्रेस होता है, किसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, पर मैंने जो ये करियर देखा ना, माइंड ब्लोइंग, एक भी जिसमें मिस्टेक्स नहीं हो, एक भी त्रुटि नहीं मिली मुझे, बस
मैंने ये करियर चूज कर लिया, खुद का काउंसलर फिर दूसरों का काउंसलर। साधु भगवान अपन के ऊपर कितना उपकार करते हैं, उसको अगर बोला जाए ना तो बस लाखों, मतलब जिसको अपन सोच भी नहीं सकते उतने उपकार उन्होंने अपन के ऊपर किए हैं। इस विषय में अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी, इसीलिए ये कभी ज्ञानी भगवान को पूछना, आपको उनके द्वारा जवाब मिल जाएगा। आपने बोला कि साहब, मुझे बहुत जने ऐसा पूछते हैं कि आपने बोला साहब अपन की मानसिक स्थिति ठीक करवाते हैं। चलिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ऐसी न्यूज़ मिले कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर हमला कर दिया है, हर एक सैनिकों की तबाही मचा दी है, अपना खून कैसे खोल उठेगा ना, लाइक एक एक को पकड़ पकड़ के मारना है, ऐसे विचार आते हैं ना। तब आपको ऐसा लगता है साधु भगवान तो क्या, उनको तो कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, हमको ये सब भी करना, ऐसा ही है ना। पर उस टाइम हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर उन आतंकवादियों को मारने से जितना आतंकवाद रुकता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आतंकवादियों के में रहा हुआ आतंकवाद को मारे ना, तो कहीं ज़्यादा आतंकवाद छूट जाता है। ऐसा नहीं है, अगर दुश्मनी में जो दुश्मन है आपका उसके अंदर से दुश्मनी ही निकाल दो तो फिर वो आपका दुश्मन रहेगा नहीं ना। शायद ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया होगा, पर ये एग्जाम्पल तो समझ आ जाएगा। आज लड़कियों के साथ कितने दुष्कर्म होते जा रहे हैं, हमने यहाँ तक कह दिया है जो ऐसा काम करे उसे फांसी मिलनी चाहिए, और कितने को तो ऐसा फांसी मिलती भी है। पर क्या वह दुष्कर्म रुके, क्या अभी रेप होना बंद हो गए है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, आज भी हर लड़की को डर डर के ही जीना पड़ रहा है ना, ऐसा ही है ना। तो बताइए तो सही मुझे, आपके सजा देने पर भी उनके अगर दुष्कर्म रुके नहीं तो आपकी सजा देने से क्या मतलब। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फांसी की सजा रोक दो, पर मैं ऐसा कह रही हूँ आपका ये स्टेप लेने पर भी अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो फिर ये स्टेप का क्या मतलब। क्यों ना हम ऐसा करें, जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो ये गलत काम करने का सोच रहे हैं, उनकी सोच में से ही निकाल दें। ऐसा प्रयास कभी अपन ने किया, जो ये गलत काम करने का सोच भी रहे उनके अंदर से ये इच्छा मात्र निकल जाए तो फिर क्या, फिर ये दुष्कर्म होंगे, फिर ये फांसी की तो सोच भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, बस यही गुरु भगवान प्रयास कर रहे हैं। गुरु भगवान के संपर्क में आए हुए सभी युवा युवतियों को गुरु भगवान समझाते हैं क्या ब्रह्मचर्य गुण है। वो तो दूसरे ऑपोजिट जेंडर को गंदी आँख से देखते भी नहीं है, उन्होंने समझाया इतनी पवित्रता है आत्मा में, किसी दूसरों को गंदे नजर से देखना कितना पाप है। जब गुरु भगवान के संपर्क में आते हैं ना, तब रियल में ये जो अपन कहते हैं ना गुरु भगवान कुछ नहीं करते, सबसे बड़ा अगर सपोर्ट है तो यही है। वैसे ही जो रेप करते हैं या रेप करने का सोचते हैं, दुष्कर्म करने का सोचते हैं, अगर उनके मन में हम शील, पवित्रता, सत्व, धैर्य, ब्रह्मचर्य का गुण डाल दें तो ऐसा काम कभी होगा नहीं ना। बस यही तो प्रयास गुरु भगवान कर रहे हैं। इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। एक पापा अंतिम क्षण जी रहे थे अभी, तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मेरा इसके साथ दुश्मनी है, इसको तू मार के ही रखना, तभी मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा ने हाँ कह दिया और पिता उसी क्षण मर गए। बेटे ने उसके साथ संपर्क में रहा ताकि उसको, मतलब पहले मित्रता रखेंगे फिर उसको मारेंगे, ऐसा उसने सोचा था। पर उसने इतनी मित्रता बनाई कि इन दोनों में रही हुई दुश्मनी ही निकल गई। इससे समझ आता है अगर दुश्मनी ही निकाल दो तो फिर दुश्मन रहेंगे ही नहीं, राइट। बस ये दुश्मनी निकालने का ही प्रयास साहिब करते हैं। सब मुझे पूछते हैं, लक्षिता इतना विजिबल सुख होने पर तू क्यों इनविजिबल चीज जो दिख नहीं रही है उसके लिए दौड़ रही है, क्यों दीक्षा ले रही है तू, संसार में रहकर जितना धर्म करना कर ले। मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, संसार में जो आपका और मेरा स्वरूप है ना, वो एक्चुअली रियल में आपका स्वरूप है ही नहीं, वो रियल आप हो ही नहीं। संसार में हम
24/7 कषायों में ग्रस्त रहते हैं। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, इन सब ने आपकी आत्मघन को लूट लिया है। ऐसा नहीं है, अरे माया के बिना तो पैसे नहीं कमा सकते हैं। आप कहते हो क्रोध नहीं करूंगी तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। आप कहते हो अगर थोड़ा सा तो बटर लगाना ही पड़ता है फिर ही पत्नी समझती है। पर इन सब ने आपकी आत्मा को जो खराब कर दिया, आपकी आत्मा में जो कचरा डाला वो कभी दिखता ही नहीं है। हम ना विजिबल चीज़ों जो विजिबल होती है ना उन पर ही मानते हैं, पर जो इनविजिबल चीज़ है जिनको फील किया जाता है उन पर हम लोग थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं होती उस पर। ऐसा ही है ना, कहो तो सही मुझे, अगर घर बहुत मैसी हो, डर्टी हो, आप उस घर में रह सकते हो, तो फिर ये आत्मा जिसपे कषाय विषय रूपी रष्ट लग गया है उसके ऊपर आप उसमें आप कितना रह सकते हो, उस आत्मा में आप कितना रह सकते हो, बताओ तो सही। साहेब ने समझाया, लक्षिता आपकी आत्मा का स्वरूप कैसा है बोलूं? प्रशम भाव, समता भाव, सरलता, निर्लोभीपना, ये आपकी आत्मा का स्वरूप है। तो फिर इन स्वरूप जो क्रोध, मान, माया, लोभ में कितनी टाइम तक रह पाओगे? अनादिकाल से यही तो करते जा रहे हो, इसलिए अब तक आप मुक्त नहीं हुए, इसलिए अब तक आप हैप्पी नहीं हुए। ऐसा होता है ना, जब जरे घरे आओ जरे शांति हो, लाइक हमें खास घरे आया, ऐसा होता है ना। आपको कभी वैसी हुफ नहीं चाहिए? कब आत्मा में आके आपको वैसी खास अब मैं आ गई ऐसा नहीं लगता है? बस साधु जीवन में आप भी कहोगे कि ठीक है मैं संसार में रह के इन कषायों से मुक्त रह के अपनी आत्मा में जाऊंगा। सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल। घर पे किसी और के घर पे रह के आप अपने घर की शांति कहाँ से ला सकते हो क्या? अपना घर तो अपना घर होता है, ऐसा नहीं है? बस उसी तरह संसार में चारों ओर कषायों के निमित्त है, चारों ओर, और संयम में जहाँ निमित्त मिलते भी हो ना थोड़े से, बस वहाँ से निकलो, बस ऐसा नहीं है? अरे गुरु भगवान को छोटा सा कषाय नहीं हुआ, अब छोटा सा कषाय नहीं होते शाम को बैठते हैं सीधा इसका प्रायश्चित लेना है, इसका आलोचना लेना है, बस आज लो साहब बोले इसके लिए हमें को करना है। ऐसा हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते हैं? ठीक है शायद हम दीक्षा नहीं ले सकते पर इतना सा तो प्रयास कर सकते हैं ना, इतना सा एनालाइज कर सकते हैं। आज पूरे दिन में मैंने इतना आत्मा से स्वभाव से विभाव में इतनी बार गई, ऐसा नहीं लगता है? ठीक है अगर आप मानते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ भी आपका स्वभाव है तो फिर साधु साध्वी जी भगवान इवन दे आर ह्यूमन बींग ना, अरे परमात्मा भी कभी ना कभी तो ह्यूमन बींग थे ना, उनमें ये क्यों नहीं? मतलब या तो ये आपका स्वभाव है तो वो उनका विभाव था, या फिर अगर ये आपका विभाव है तो वो उनका स्वभाव है। किस पे पॉइंट आउट करना चाहते हो, परमात्मा पे या खुद पे? समझ आ गया स्वभाव क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ करके आप खुश होते हो या दुखी, मुझे इतना बताइएगा। ठीक है आप मानते हो कि वो आपका स्वभाव नहीं है, आपने आपके बेटे पर गुस्सा किया, आज आपने माया की, आज आपने लोभ किया, इतना चाहिए, अब खुश हुए या दुखी? बेटे पर चिल्लाने बाद आप रोते हो ना, आज माया की तो फिर दुखी होता है, यार उसको मैंने ठग दिया, ऐसा दुख तो होता है ना। जो आपको दुखी करे वो आपका हो सकता है? नहीं ना। बस समझ लीजिए क्रोध, मान, माया, लोभ ये आपका स्वभाव नहीं है, इट्स नॉट योर सेल्फ। आप तो मात्र और मात्र पवित्र हो सकते हो, आप तो मात्र और मात्र निर्कषायी हो सकते हो। बस इसीलिए इस रास्ते पर प्रयाण कर रही हूँ। आप कहोगे लक्षिता वहाँ जाके भी कषाय तो होने ही वाले हैं, पर गुरु भगवान की अद्भुत भेंट साहेब, हर एक दिन का, हर रोज का जो भी पाप किया है मैंने, आज शाम को उसको मैं लिख के साहेब को दे दूंगी, साहेब उसका जो प्रायश्चित देंगे, उपवास, आमबिल, वो सब करेंगे हम। आप वापस पूछोगे ये तो हम संसार में भी कर सकते हैं ना, सॉरी अगर आलोचना क्यों लेते हैं बताए, जब उस पाप का डंक फील होता है ना, यार मैं तो क्रोध की दो, जब ऐसा होता है ना तब आलोचना लेते हैं, पर आप आलोचना लेके वापस कल क्रोध करो तो फिर आपको रियल में कन्फेशन हुआ था उसका?
संसार में रहकर आप क्रोधमान माया लोप करो, इसमें कोई बड़ी नवाई नहीं है। संयम में रह के करो तो एक होता है, लाइक डंक पड़ता है, बट संसार में आप बोलोगे करना ही पड़ता है। इसीलिए कहना चाह रही हूँ, संसार वो आपका स्वभाव है ही नहीं, संयम वो मात्र और मात्र आपका स्वभाव है। त्याग करना, त्याग में ही खुशी है, सुख भोग में नहीं है, सुख तो मात्र और मात्र त्याग में है। प्रयास कीजिएगा हर एक भाव को मैं नोट करूं, बस उससे गुरु भगवान को प्रायश्चित करूं, पर सच्ची अगर भाव ढंगता हो ना तो फिर आप ही समझ लीजिएगा। अभी भी आप सबको यही लग रहा होगा ना, नहीं भाई मैं तो संसार में रहन कसाय नाश कर सको, बट सवाली बच्चों को तो आप घर पे भी पढ़ाई करवा सकते हो ना, इवन आप एजुकेटेड हो तो आप उनको पढ़ाई करवा सकते हो ना, तो फिर स्कूल क्यों भेजते हो, फिर ट्यूशन क्लासेस क्यों भेजते हो? कोई आंसर है इसका? नहीं, हमको तो उनको वेल एजुकेटेड करना है। बस उसी तरह माई सेल्फ, लाइक अपन डांस क्लास भी भेजेंगे तो कौन सा सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट होगा उसके पास भेजेंगे, सबसे जो बेस्ट डांसर होगा उसके पास भेजेंगे, तो सबसे बेस्ट मुझे शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मिक लेवल में मुझे जो आगे बढ़ा सके, मैं भी उसके पास ही तो जाऊंगी ना। वो संसार में मुझे कोई नहीं मिला, वो मात्र और मात्र मुझे साधु भगवंत में ही दिखा कि ये सबसे बेस्ट है। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि लॉकडाउन में घर से तो पढ़ाई कराइए, ठीक है तो फिर लॉकडाउन जब पूरा होना तब भी घर पे ही पढ़ाई करवाना, नहीं पॉसिबल है ना? बस उसी तरह संसार में रहकर कषायों से मुक्त होना नॉट पॉसिबल। अगर कंप्लीटली कषायों से मुक्त होना है तो फिर संसार को भी बाय बाय करना ही पड़ेगा। अब समझते हैं, जब तक आत्मा में कर्म का जंग लगेगा, जब तक लगता रहेगा तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। जब आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण निकला, उसी तरह उसी सेकेंड आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो हम अब जितने कर्म उस पर ऐड करते जाएंगे उतनी हमारी मुक्ति लेट होती जाएगी। आप लोग बोल रहे होगे कि दीक्षा लेनी है, ले भी ठीक है, थोड़ी बड़ी वह मैंने पची दीक्षा ले जाए, लाइक थोड़ी टाइम ज़्यादातर शादी, मेरे को बहुत जन पूछते हैं तो जब शादी का डिसीजन आएगा ना कि शादी करनी है या फिर दीक्षा, तब दीक्षा ले लेना। देखो दीक्षा के ही भाव है ना, अभी तो एंजॉय कर, अभी थोड़ी ना देखो कंपल कर रहे हैं कि शादी कर पे। उनको ये आंसर देना चाहूँगी कि जब तक आप संसार में रहोगे ना तब तक आपकी आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण आता जाएगा। तब तक आपकी आत्मा में जितने आवरण आएंगे ना, जितनी मुक्ति आपको लेट होगी। घर कितने जल्दी जाना है आपको, आज भी बोलो तो रेडी होना आप लोग। बस उसी तरह आज भी अगर मुक्ति मिले ना तो क्यों ना इन सबको अभी छोड़ दो। मेरे को तो अभी भी अगर आज्ञा दे देना तो मैं आज भी इन सबको छोड़ के दीक्षा लेने के लिए रेडी हूँ। जस्ट एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, वीर प्रभु ने बताया ही तो है, समयम गोयम मापमाए। तो फिर अपन तो घंटों वेस्ट करते हैं। बस इसीलिए दीक्षा जितनी जल्दी लो ना उतना ही जल्दी आपका सक्सेस, आपका प्रॉफिट होता है। तो अब तो नो क्वेश्चंस ना, सबने मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ के, मतलब ऐसे लाइक सब बहुत जन ऐसे पूछ के ना दीक्षार्थी के मन के, लाइक उनको ऐसे उनको भी सोच में पड़ा देते हैं, दादा दादी तो इच्छा नहीं है तो बस क्यों दीक्षा ले रही है, उन्होंने इच्छा विरोध क्यों करे लेने। सीरियसली बोलो ना, उनकी इच्छा क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि उनको मेरे ऊपर मोह है, राग है। राग दो टाइप के होते हैं, एक तो गुण का राग और एक व्यक्ति का राग। व्यक्ति का राग रखकर हर कोई आज भटका ही है। इवन गौतम स्वामी को देख लीजिए, गौतम स्वामी को वीर प्रभु पर गुणों का राग तो था पर व्यक्ति का राग भी था, वही चीज उनको अटका रही थी। गौतम स्वामी के शिष्यों को तो केवल ज्ञान होता था लेकिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। वाई एस उनको प्रभु के ऊपर व्यक्ति का राग भी था, उनको प्रभु के सिर्फ गुणों का राग नहीं था, उनके व्यक्ति का भी राग था। बस यही मतलब समझ आया, राग अटकाता है, राग आपका परिभ्रमण बढ़ाता है, राग आपके केवल ज्ञान से आपको दूर करवाता है। बस यही मात्र कारण है कि दादा दादी ने मुझे रोका कि लक्ष्य तो दीक्षा मत ले, प्लीज मत ले, अत्रो कांटो भरो रास्तों ने वो ने,
बट ये चीज़ इनको अटकाएगी वो जानने पर मैंने इनकी बात इनकी इच्छा नहीं तोड़ी बट इनका भी परिभ्रमण रोक दिया। ये जो अगर मैं इनकी बात रुक सोच कर 3-4 साल रुक जाती तो इनका और परिभ्रमण होता। एंड इसीलिए अगर मैं आज दीक्षा ले रही हूँ तो उनका परिभ्रमण स्टॉप हुआ प्लस उन्होंने मुझे दीक्षा की अनुमति दी लास्ट में भी, तो उससे उनके इतने पुण्य बढ़े कि उनका परिभ्रमण जो ज़्यादा होने वाला था वो भी और कम हो गया। यानी जितने मोह से छुट्टे पड़ोगे, जितने मोह से अलिप्त बनोगे, जो आपका स्वभाव है जितना उसको टच करोगे, जितना उसको फील करोगे ना, उतना आपका परिभ्रमण कम होता जाएगा। दीक्षा भले नहीं ले सके पर जो दीक्षा ले रहा है उनकी निंदा और जो दीक्षा ले चुके हैं ऐसे साधु साध्वी जी भगवान की निंदा करने का कोई हक ही नहीं है अपना, क्योंकि अपन ऑलरेडी मोह में फंसे हुए हैं एंड और अपन मोह और अपन अपने परिभ्रमण को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है अपन उनकी निंदा करके अपना परिभ्रमण क्यों बढ़ाएं। अपन कुछ नहीं कर सकते तो ओके, बट उनकी निंदा तो मत ही कीजिए ना। एंड मुझे सिर्फ इतना बोलिएगा, हर मुमुक्षु को आप इतना प्रेस करते हो, आओ आओ मेरे घर आओ, पर दीक्षा लेते ही जब वो साध्वी जी भगवान बन जाते हैं, जब वो साधु भगवान बन जाते हैं, कोई पूछवारों तक नहीं, इतना सा भी नहीं अपन को यार साहिब जी कोई काम है। अत्रुषोपन जी, अरे शास्त्र में कहा गया है कि श्री संघ मात पिता होते हैं। आज मेरे मम्मी पापा मेरे को दीक्षा दे रहे, मतलब इतना ही नहीं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी साध्वी जी भगवान को दे के जा रहे हैं, पर उन्होंने आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, श्री संघ को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आज से मेरी बेटी आप सबकी हुई, ऐसा नहीं है तो फिर बोलिए अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो फिर मेरी विदाई में आप लोग सब क्यों रहते हो। सिर्फ मम्मी पापा को रोना चाहिए ना, उन तक ही सीमित होना चाहिए ना ये दुख। हर कोई रोता है विदाई समारोह में, ऐसा क्यों? यानी मैं श्री संघ की बेटी बन गई। आपकी बेटी को कोई तकलीफ हो और आप न जाओ, ऐसा हो सकता है। बेटी को ये चाहिए ओ सीजे ओले आईफोन चाहिए, नहीं भाई तू दो आईफोन और आईवॉच दोनों रख। और हमको दवाई तक का पूछने का नहीं, तो फिर ये मुमुक्षु को क्यों इतना क्यों चढ़ाते हो आप लोग? वही मुमुक्षु जब साध्वी जी भगवान बन जाते हैं तब उनको रहने का भी कोई ठिकाना नहीं। आज आपने आपके संग में कभी ऐसे बोला है कि साध्वी जी भगवान आप यहाँ रह जाओ? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों करते हैं अपन? मुमुक्षु को इतना बहुमान क्यों फिर? उन्हें भी मत कीजिए, क्योंकि उनका भी नेक्स्ट स्टेज तो यही है। मुक्ष से कहीं चढ़े आते साध्वी जी भगवंत होते हैं। और भले अपन साधु साध्वी जी नहीं बन सकते पर उनकी सेवा करके जो पुण्य प्राप्त होता है ना किसी भव में अपन के भी ये भाव होंगे। और जल्द से जल्द इतना कहा गया है, साधु नाम दर्शन नाम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य है, पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर साधु की सेवा करने से तो क्या? मैंने ये भी सुना था कि साध्वी जी भगवंत ने ऐसे कहा था कि 10 दिन तक हम रुकेंगे यहाँ पे। 12वां दिन हुआ नहीं कि संग आके पूछते साहिब जी आप कब निकल रहे हो। एक तरफ मुमुक्षु को महीने महीने तक रुकाने के लिए रेडी हम लोग, अब हमारे घर पे आओ ना, हमको लाभ दो ना, हमारे घर पवित्र करो ना। और दूसरी तरफ साहिब जी को ऐसा प्रश्न, मुमुक्षुपने में आपने उनको इतना आदर दिया और साध्वी जी भगवान बनने के बाद क्यों नहीं? इस विषय पर आप ही चिंता और चिंतन करना, क्योंकि दोनों एक ही इंसान थे। इवन मुमुक्षुपने में जितनी उनकी पवित्रता थी ना उससे कई ज़्यादा साध्वी जी पने में थी, तो फिर उसके बाद आपका घर पवित्र नहीं होता है क्या? इस पर आप ही चिंतन कीजिएगा। ये तो आपने सुना ही होगा ना, साधु के नाटक करते करते उसको दीक्षा जीवन गम गया। दीक्षा जीवन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आज हर कोई प्राप्त करने की इच्छा चाहते लाइक मुझे ये मिले वो मिले, पर साधु जीवन में सैक्रिफाइस होता है। जो मेरे पास है वो भी मुझसे दूर हो जाता है, मेरे पास मम्मी पापा लक्ष्मी से सबको मैं दूर करके मैं खुद दीक्षा लेती हूँ। दीक्षा आपको क्या लगता है,
अगर हर कोई रिक्शा ले ले तो आप ऐसा बोलते हो मैं रिक्शा भी ले लाते तो रिक्शा बोले इतनी अच्छी इतनी अच्छी है रिक्शा भी ले तो बस संसार तन गोत्री कौन वरा भी। कई बार लोग ये पूछते हैं रिक्शा है सब रिक्शा ले लेंगे तो फिर क्या मतलब फिर गोत्री कौन वराएगा। मैंने ये बहुत बार सुना भी और कमेंट्स भी पढ़े ऐसे। पर एक बात बोलूँ, गोत्री की तो कोई परवाह नहीं है, कल धर्म मिले उसकी कोई परवाह नहीं है। पर अगर आप लोग सब दीक्षा लेने का एक सिर्फ ऐसे बोलते तो मैं भी दीक्षा लो तो फिर गोत्री कौन वरावे। अगर आप सबने अगर दीक्षा ले भी लेना तो मैं कह सकती हूँ आपको कि देव ऊपर से नीचे आ जाएंगे कि वाह वाह वाह, और वो खुद वराएंगे। हर कोई दीक्षा ले नहीं सकता, दीक्षा इज नॉट ईजी। क्योंकि अगर दीक्षा सब लोग ले सकते थे सबसे पहले भिखारी लेते ना, उनके पास तो ऐसा भी कुछ ऐसे भी कुछ नहीं है तो उनको छोड़ने में क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। पर उनके पास प्राप्त करने की इच्छा, आज उनको अगर अपन 100 सोना मुद्रा देना उनको चाहिए दो 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 दो, और वही साधु भगवान को एक सोने मुद्रा की भी इच्छा नहीं। बस यही फर्क है, हम क्यों भिखारी को वंदन नहीं करते और साधु को वंदन करते हैं, क्योंकि भिखारी और साधु दोनों के पास उतनी ही चीज़ें, दो कपड़े तो आज के खाने का भी मुश्किल से होता है भिखारी के पास, और हमारे पास भी आज का ही खाने का होता है, कल का होता भी नहीं है। तो हम उनको क्यों वंदन नहीं करते और सिर्फ साधु को वंदन क्यों करते हैं। ऐस प्राप्त करने की इच्छा ही जिनसे निकल गई है, जिन्हें मात्र और मात्र जो मेरे पास है वो भी दूसरों को देना है, मेरे पास ये गुण है ओके मेरे को ये भी दूसरों को देना है, उनको भी ये बांटना है, जिन्हें सिर्फ बांटना और सैक्रिफाइस करना आता है उन्हें हम वंदन करते हैं। तो ये बात तो भूल ही जाओ, ये हैंग दीक्षा ली तो बस गोत्री कौन वरीला कौन वरावीला, क्योंकि हमें तो आज की कल की भी परवाह नहीं कि कल क्या वरेंगे। अगर आज का आज की गोत्री मिल गई तो बस बैन खप नहीं है, ऐसा तो सुना ही होगा ना हमने। बस अद्भुत है ये साधु जीवन, हर कोई को नहीं मिल जाता है इसे, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रचंड पुण्य चाहिए ये साधु भगवान साधु जीवन मिलने के लिए। और बस प्रभु की इतनी असीम कृपा बरसी कि साधु जीवन सिर्फ अच्छा लगने लगे ना, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। एको अपि शुभ भाव भगवत प्रसादेन एव लभ्यते, एक भी शुभ भाव वो प्रभु के कृपा से ही प्राप्त होता है। तो फिर थोड़ा सा भी अगर साधु जीवन गमा होना तो वो भी प्रभु की ही कृपा है। एंड लाइक आप लोग बोलते हो कि दीक्षा ले लेंगे हम लोग सब तो फिर क्या मतलब, बट सिर्फ अपने से एक मोबाइल भी नहीं छूटता है, एक नया मोबाइल नहीं आया कि बस सबको रट लग गए कि नहीं iPhone 13 इससे जाए iPhone 13 ही चाहिए, एक मोबाइल तक नहीं छूटता है। क्या संसार छोड़ने की बात करते हो आप लोग, एक सिर्फ मैं कोई 1 वीक तक जो मोबाइल छोड़ सकते हैं ना मुझे बताइएगा, 1 वीक तक मोबाइल नहीं छोड़ सकते हम, और जिसने अपना पूरा जीवन छोड़ मतलब संसार छोड़ दिया है उनकी हम निंदा कैसे कर सकते हैं। अरे जो अपने सपनों में मतलब मोबाइल छोड़ना, सुबह उठते ही सीधा मोबाइल पे आँख जाती है, आज कौन सा मैसेज आया यार, जिसने सब कुछ छोड़ दिया जो उनकी निंदा किस बल पे कर सकते हैं, मतलब किस हक से कर सकते हैं, छोटा सा चीज नहीं छोड़ सकते उनकी कैसे निंदा कर सकते हैं मुझे बताइए। तो साधु भगवंत ने इतना कुछ छोड़ दिया है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप सब कुछ छोड़ दो, पर जो जिन्होंने छोड़ा है उनकी कम से कम निंदा तो मत ही कीजिए, अनुमोदना नहीं होती तो निंदा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा छोटी छोटी मुंह बड़ी बड़ी बात है, बट अगर आपका बेटा 4th स्टैंडर्ड में हो अगर 6th स्टैंडर्ड का सम अगर कर ले तो कितना प्राउड फील होता है ना, बस उसी तरह छोटे मुंह भी अगर कुछ बड़ा काम किया हो ना तो 100% प्राउड फील कीजिएगा कि जिन शासन बहुत ही बहुत लाइक हर किसी को नहीं समझ आता कि क्या जिन शासन है, अगर आपको समझ आया हो तो बस सफल हो गया आज का। आप सबको फिर भी लग रहा होगा कि नहीं दादा दादी रे आशीर्वाद बिना ले दादा दादी के आशीर्वाद के बिना दीक्षा लेगी तो फिर कुछ मतलब दीक्षा सफल होगी ही नहीं तेरी। आप लोग ऐसा भी बोल रहे हो देख महावीर प्रभु ने ना प्रभु की माता पिता की इतना इच्छा थी इसलिए उन्होंने दीक्षा माता पिता के देहांत के बाद ली, बट हमने ये नहीं देखा कि ऋषभदेव भगवान ने यानी आदिनाथ दादा ने प्रभु माता ने शायद 1000 साल तक माता रोई थी फिर भी उन्होंने दीक्षा ली, पर हमने ये क्या देखा कि आदिनाथ प्रभु ने माता की रजा न होने पर भी दीक्षा ली।
पर उनका तो कल्याण हुआ ही ना, उन्होंने भी केवल ज्ञान तो पाया ही ना। एंड इवन अगर माता की रजा नहीं होने पर अगर आदिनाथ प्रभु अगर दीक्षा नहीं लेते तो क्या मरुदेवी माता सबसे फर्स्ट मोक्ष जा पाते? जवाब तो दीजिए। अगर ये होता ही नहीं, अगर आदिनाथ दादा रजा के बिना दीक्षा नहीं लेते तो फिर क्या उसकी माता मरुदेवी माता मोक्ष सबसे फर्स्ट जा पाते? नहीं ना। और कितना परिभ्रमण करते ना वो, क्योंकि उन्होंने दीक्षा अटकाई, इतने सारे जीवों की कल्याण का अटकाया, तो कितना परिभ्रमण करते ना वो। पर एक सच्चे पुत्र का कर्तव्य आदिनाथ दादा ने निभाया। उन्हें समझ आ गया था अगर मैं अभी दीक्षा नहीं लूँगा तो मेरे कारण कितने जीवों का कल्याण अटकेगा, मेरे कारण मेरे स्व का कल्याण, इवन मेरी माता का कल्याण अटकेगा। बस उसी क्षण माता की रजा न मिलने पर, माता के आशीर्वाद न मिलने पर भी उन्होंने दीक्षा ली। और उसके बाद तो देखिए माता की हर्षोल्लास, तो देखिए अपने बेटे को इतने बड़े पदवी पर देखकर माता को समझ आया कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितना बड़ा अफसोस उन्हें हुआ उस टाइम। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है, उनके आशीर्वाद बिना दीक्षा सफल नहीं होगी। अगर ऐसा होता ना तो आदिनाथ दादा आज तक कभी सिद्ध पद को नहीं पाए होते। मैं बहुत छोटी हूँ पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब बहुत हर्ट करने जैसी बातें आज बोली, कईयों के दिल बहुत बहुत ठेस पहुँचाया। आई एम वेरी वेरी सॉरी मिच्छामि दुक्कड़म। आखिर आपकी ही बेटी हो ना, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। तारो खोड़ो तारो खोड़ो भी जब वा तोड़ने आविश हूँ तो गोद माँ समावी ले जी एम कहती आवी मुझने अंतर दी दे जो रुड़ा आशीर्वाद मुझने अंतर दी दे जो रुड़ा आशीर्वाद मुझने अंतर दी दे जो रुड़ा आशीर्वाद मुझने अंतर दी दे जो चारित्र धर्म निवंदना श्रमण धर्म निवंदना संयम धर्म निवंदना चारित्र धर्म निवंदना श्रमण धर्म निवंदना संयम धर्म निवंदना संयम धर्म निवंदना संयम धर्म निवंदना। मुझने अंतर थी दीजो रूड़ा आशीर्वाद।